हेलो, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। नए दिन की नई शुरुआत विवेक बलोच ब्लॉग के साथ में हो गई है। सुबह लग जाती हूँ अपने काम पे, क्योंकि आज सिजदान को जाना है ट्यूशन और बहुत से काम पड़े हुए हैं, कपड़े वगैरह, क्योंकि रात में इतनी थकी हुई थी कि ना मैं नमाज पढ़ पाई ना कुछ। डायरेक्ट सवेरे मेरी आँख खुली जब मोइन को ऑफिस जाना। चलो बताती हूँ मेरे पर एक काम आपको। तो गाइस देखो, जिदान की तैयारी चालू है ट्यूशन की और ये लगाए मोबाइल में। हो गई बकरा ईद आ गई ना, अब ये मोबाइल के अंदर ही घुसा रहेगा बकरों की वीडियो देखते हुए। भैया स्कूल भी चालू हो जाएगी अभी, इधर ट्यूशन चालू है। और मेरी स्नो तो बीमार पड़ी है, उसको भी दवाखाना लेके जाना है। नहाना धोना कुछ नहीं है, सवेरे उठते साथ ही ये टैंक का गोला बना के चालू, गर्मी को छुटकारा देने वाली चीज ये हमारा हसनैन। अब स्कूल चालू होगी ना फिर बीमार पड़ जाएगा, क्योंकि इतना गोला खाया रहेगा ना बेटा। हाँ, अरे बाप रे, दीदी को तो काम ही नहीं है, बस टैंक के गोले बनाते रहती है ना। अरे बाप रे, अरे फातिमा क्या लाई, अरे 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 इसका गोला, फातिमा का गोला, अरे बॉटल के अंदर। अरे बापरे, सब गोले खाओ तुम लोग बेटा, बीमार होने वाले सब। गाइस देखो, ब्लॉगर भैया नमाज पढ़ के आ चुके हैं, पूरा काम हो गया है मेरा अल्हम्दुलिल्लाह। और भाई साहब चले अरबी, नमाज नहीं पढ़ा इसने, अरबी जाना है, अरबी से आके खाना मिलेगा बेटा, समझ जा, नमाज नहीं पढ़ा है। और यहाँ पे खाना अपना बन चुका है और मुझे जाना है बाहर। तो गाइज आप कहेंगे कि फिर से निकली बाहर, तो काम से जा रही हूँ, अम्मा की तबीयत है ख़राब, उनको अपॉइंटमेंट ली हूँ, अम्मा को लेके जाना है हॉस्पिटल, उनका अपॉइंटमेंट है आज, तो चले, क्योंकि रूटीन के हिसाब से उनको उनका तो चेकअप करवाना ज़रूरी है। अभी थोड़ा प्रॉब्लम बता रहा है उनकी किडनी में, तो एक बार चेकअप करवा देती हूँ। उनके है डॉक्टर सचिन, तो उनका अपॉइंटमेंट नहीं मिल रहा था, थे ही नहीं, अवेलेबल नहीं थे, छुट्टी पे थे अपने डॉक्टर, तो अब मिला है कितनी मुश्किल से अपॉइंटमेंट। सवेरे जाके अपॉइंटमेंट लेके आए हैं और अब जाती हूँ उनको लेके क्लिनिक। अब पता नहीं कितना टाइम हुआ होगा। भाई साहब अपनी नमाज हो चुकी है, नमाज हो गई मेरी कम्प्लीट, थोड़ा सा पेट पूजा कर लूँ। वालेकुम सलाम, गए भाई साहब अरवी, थोड़ा पेट पूजा कर लूँ फिर निकलूँ, पता नहीं कितना टाइम लगेगा, क्योंकि अपॉइंटमेंट मेरा नंबर है 16 16 नंबर है। तो पेट पूजा करके मैं आपसे मिलती हूँ निकलने के टाइम पे। ओ ब्लॉगर भैया खाना चाहिए, मैं तो खाऊंगी भाई। तो गाइस निकल चुके हैं, अपॉइंटमेंट हाथ में है, चलो अम्मा को लेके जाते हैं हॉस्पिटल। आप चलेंगे ना मेरे साथ कि क्या हुआ वहाँ देखने के। टाइम पे आने के बाद भी देखो हम लोगों को सिग्नल पे रुका दिया गया है, एकदम टच पे आके खड़े थे हम, क्या करेंगे, ट्रैफिक ही खत्म नहीं हो रही। तो गाइस हम लोग का अपॉइंटमेंट हो चुका है, आप देखो ट्रैफिक सबसे परेशान है एक रिक्शे के लिए। हम लोग चले घर पे, अम्मा और मैं चले अभी घर पे, अम्मा का हो गया है डॉक्टर के पास, जाके चलते दवा लेंगे, देखते क्या बंद है। हमारी रिक्शा बंद हो गई, सिग्नल ऑन है, हम लोग बीच में खड़े हुए हैं, सब जा रहे हैं घर पे, चल के अम्मा को देते हैं दवाइयाँ, उनका सोनोग्राफी वगैरह ब्लड टेस्ट दिया है, करेंगे हम लोग खड़े हुए हैं। देखें रिक्शा बंद पड़ गई है, क्या हुआ भाई, पता नहीं क्या हो गया, बंद पड़ गई रिक्शा, सब आजू बाजू से जा रहे हैं, तो हम लोग देखो लो अभी साइड में ले लो, धक्का मार के ले रहे हैं साइड में। चलो चालू हो गई रिक्शा, अब चले घर पे। तो गाइस आ गई हूँ घर पे, बहुत थक गया, मुँह हाथ धोली, फ्रेश हो गई और अपनी पंचायत बैठी है, पर चावल बताया बाहर गिराई थी और कहती निस्बत ने गिराई, मेरी निस्बत कौन, तो तेरा नाम निस्बत है, चुड़ैल चुड़ैल मेरा नाम निस्बत है, उसने चावल गिराए,
रात साथ ही झाड़ना पड़ा है, बताया मुझे ओटा पंचायत। तो गाइस देखो ये पंचायत बैठी हुई है, ये वो 30 का नाम निस्बत है। क्या नाम है? निस्बत नहीं, तेरा नाम मुसीबत है। हाँ तो तेरा नाम निस्बत थोड़ी मुसीबत है, वो भी चाइने के माई के साथ। मुसीबत नाम रखे ले तेरा, निस्बत ऐसी एंड लगा दी। अल्लाह मार दे, मार दे भाई को, मार दे बिंदू काट दूंगा। तो गाइस यहाँ पे बेडशीट वगैरह सब मैंने चेंज कर दी थी, रात में टाइम नहीं मिला था, लगा के रख दी थी सभी को, बताने का टाइम नहीं मिला था। मैं अब बता रही हूँ कि देखो रख दी। तो इस टुकड़े को तो दुआ है, इसमें कपड़े हैं रखने कबाट में, इसके अब्बू के हैं और जिदान के बैग वगैरह है। सफाई तो पूरी हो चुकी थी, एसी भी ज़्यादा कूलिंग कर रही माशाल्लाह कल से, आप देख सकते हैं सब साफ सफाई हो चुकी है, गैस भी क्लीन है। चलो बाद में मिलती हूँ। गाइस आप देख सकते हो चाय बन रही है और बाकी है नमाज, पहले नमाज पढ़ लूँ उसके बाद चाय, क्योंकि अभी आएंगे ना महाराज लोग, अब महाराज लोग आएंगे ना, पहले सवाल मेरा नहीं उनका सवाल होगा कि भाई चाय बनी कि नहीं, पहले नमाज पढ़ लूँ, मेरे सवाल करने के बाद कि नमाज पढ़े कि नहीं तुमने, फिर चाय बनी कि नहीं, ब्लॉगर भैया और जिदान आएंगे तो जब तक मैं अपनी नमाज कंप्लीट करती हूँ फिर उनको चाय दूंगी। तो बने रहिएगा आगे ब्लॉग में, लाइक शेयर और सब्सक्राइब, ऐसे छोटे मोटे ब्लॉग देखते ही रहो, क्योंकि टाइम तो जिंदगी में हर किसी के पास बहुत ही कम है, पता नहीं कब कौन चला जाए। तो जैसे चल रहा है बेहतर तो अपनी तरफ से कर रहे हैं, आगे अल्लाह मालिक, चलो अल्लाह को याद करेंगे। तो गाइस अपना खाना हो चुका, अब ये सब समेट के रखना है, और ये दो दिन से बेचारा भीग रहा है सूख रहा है, भीग रहा है सूख रहा है, क्योंकि अम्मा के साथ में हॉस्पिटल से जब टाइम मिला थोड़ा मैं सो गई, नमाज पढ़ के फिर अम्मा के पास ही चली गई। और भाई देखो आ गए हैं काम पे से और सोए हुए, और ये चाय वैसी की वैसी रखी हुई है, किसने नहीं पिया, बनाई थी ना, किसने भी नहीं पिया। बन के चली माता, कहाँ जा रही है लाली बिली लगा के, किसका? अली भाभी का। गाइस ये देखो क्या काम, बड़ा काम कर रही है, फुग्गा इसकी आँख में जाके फूटा है, अरे आँख से अंधी हो गई बच्ची, अरे मत पालो, अरे बापरे ये लड़की हो गई अंधी गाइस, अब क्या करेंगे, कैसा रिश्ता आएगा बच्ची को, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, मेरी जिंदगी खराब हो गई, जिंदगी बर्बाद हो गया। उधर बनने की भी जरूरत नहीं, चेहरा इसी सही है तेरा। तो गाइस देखो स्नो अपने टब में बैठ चुका है जाके, स्नो तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। ए स्नो मेंटल को जाना है सवेरे ट्यूशन, और बज रहे 12:30, सोने का नामो निशान नहीं है, और पता नहीं क्या क्या ढूंढते रहता है रात भर पागल साला। तो आई होप आपको हमारा ये ब्लॉग पसंद आया होगा, लाइक शेयर और सब्सक्राइब, मिलती हूँ कल आपको नए ब्लॉग में, नए हो तो बेल आइकन जरूर दबाना कि आपको हमारे ब्लॉग की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। आगे बहुत धमाल चौकड़िए, आप देखते रहना, बहुत धमाल आने वाला है आगे, थोड़ा सरप्राइज रखूँगी ना तो बहुत सी चीज़ें आपको मिलेंगी। तो आई होप आपको हमारा ब्लॉग पसंद आएगा, लाइक शेयर और सब्सक्राइब, मिलती हूँ कल आपको नए ब्लॉग में, अल्लाह हाफिज़। I'm not afraid to die.